हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हितेश महाजन, अकाउंटेंसी की फैकल्टी। आज का हमारा नया टॉपिक आ रहा है, पार्टनरशिप पे ला रहा हूँ। लास्ट मैंने जो डिस्कस किया था, मैंने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है। उस पर हमारा आया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, उस पर मैंने डिस्कस किया था। देन लास्ट वीडियो था एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप। हमने स्टार्ट से चला था इंट्रोडक्शन, वाउचर, अकाउंटिकेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बीआरएस, कैश बुक एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग पे लगा बैलेंस शीट आल्सो। तो फिर हमने उसकी एडजस्टमेंट की थी, हमारे कुछ ये टॉपिक्स चले थे। देन आज का हमारा टॉपिक आया, हमारा अभी का टॉपिक चलेगा पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप है क्या, ठीक है। और अभी जो आपको मैं हर वीडियो पे बोल रहा हूँ, लाइव हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, एनरोल कीजिए, जॉब्स अड्डा के नंबर पे कॉल कीजिए, देन लाइव बैचों के लिए एनरोल कर लीजिए। क्योंकि लाइव बैचों में ये होगा कि बच्चे के डाउट सारे के सारे क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो लाइव ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं करिए, क्योंकि लाइव में रिवीजन अच्छी होगी, हर चीज़ का डाउट क्लियर होगा, ठीक है। जॉब्स अड्डा के चैनल पे नंबर पे कॉल करें, देन रजिस्टर्ड करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। तो इससे अच्छा कि एनरोल कर लें, और काफ़ी जेन्युइन प्राइस पे, ठीक है। अगर आप एक कोर्स लेते हैं देन 1500, एंड देन अगर कॉम्बोज लेते हैं तो 2000 में। तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए। तो अब हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आ गया पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप है क्या, ठीक है। अब पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप मींस जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को शुरू करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। टू और मोर पर्सन, मोर पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, टू और मोर पर्सन स्टार्टेड बिजनेस, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस को शुरू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। क्योंकि अकेला बंदा क्या होता है, सोल प्रोवाइडर, वो अकेला बिजनेस चला रहा है, ठीक है। अब जब दो या दो से ज्यादा मिलके, मिनिमम तो दो ही है, जब दो से ज्यादा मिलके लोग चला रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप का क्या है, किस एक्ट के अंदर आया था, जब शुरू किया गया था, शुरू किया गया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कब शुरू किया गया, 1932 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एक्ट आया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 1956। फिर क्या हुआ, 1932 से फिर उसके बाद किसको कैरी ऑन किया गया, 56। अब 56 के बाद देखो, पार्टनरशिप भी किया, जब बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी है ना, चला तो वो कंपनी रहे, तो क्या किया था, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में शुरू किया गया था। फिर जब कंपनीज एक्ट आया 56, देन उसके आगे उसको कैरी ऑन किया गया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लास्ट रिवाइज कब किया गया एक्ट, रिवाइज कंपनीज एक्ट 2014, लास्ट रिवाइज कब हुआ, कंपनीज एक्ट 2014, ये लास्ट रिवाइज किया गया। शुरू कब किया गया, 1932 से, फिर उसके बाद 56 को फॉलो किया गया, देन लास्ट रिवाइज कब हुआ, 2014 में जाके रिवाइज किया गया। अब इनमें कंडीशंस क्या है, ये सारी की सारी देखते हैं हम। फिर उसके बाद क्या हुआ हमारा, फिर जब पार्टनरशिप आगे चला, अब इस पर कंडीशन पढ़ते हैं। पार्टनरशिप में क्या था, देखो दो तरह के पार्टनर आना शुरू हुए, क्या होता है, दो कंडीशंस के थे, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, एक होता है एक्टिव पार्टनर। देखो स्लीपिंग और एक्टिव में फर्क क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को। स्लीपिंग मींस जो बिजनेस में पैसा लगाता है, जस्ट नाम से जुड़ा है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है, ओनली इन्वेस्ट मनी, जो सिर्फ बिजनेस में पैसा लगा रहा है और नाम के लिए जुड़ रहा है, और क्या एंजॉय करता है, एंजॉयस प्रॉफिट, जस्ट प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और बिजनेस को ये नॉट, बिजनेस को कैरी नहीं करता, ये जस्ट एंजॉय क्या करता है, प्रॉफिट। जैसे आपने सुना है कि दो मिलके पार्टनर चला रहे, एक क्या करता है, पूरा काम करता है, देन एक और पार्टनर उसके साथ जुड़ा, जस्ट पैसा ही लगाया और कुछ परसेंट में प्रॉफिट ले लेता है, वो अपने कंडीशन पे आ गया, वो जस्ट क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है और प्रॉफिट को एंजॉय करता है, काम कोई नहीं करता। एक्टिव पार्टनर कौन से होते हैं, जो सारा
सारे के सारे कैरी कर रहे हैं, कैरीड बॉय आवन, जो सारे के सारे बिजनेस को चला रहे हैं। एक्टिव पार्टनर कौन से होंगे? जो बिजनेस को चला रहे हैं पूरे के पूरे, और ये प्रॉफिट तो एंजॉय करेंगे करेंगे, बिजनेस में सारी चीजें को हैंडल कौन करेंगे? एक्टिव पार्टनर। स्लीपिंग क्या करता है? ओनली एंजॉयज प्रॉफिट और पैसा इन्वेस्ट करता है। पैसा इन्वेस्ट किया तो जस्ट क्या होता है, कोई कोई बंदे होते हैं 3-4 बिजनेस खोल लेते हैं, वहां पे पैसा लगा लेते हैं, तो देन क्या करते हैं, बैठे बैठे एंजॉय करते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर जो होते हैं, बिजनेस कैरीड बाय ऑल, जो बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस में एक्टिव है, इसको ऑल्सो नोन एज एक्टिंग पार्टनर, इसको एक्टिंग पार्टनर भी बोला जाता है, जो बिजनेस में एक्ट कर रहा है और ये एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये एक्ट नहीं कर रहा और ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका आ गया स्लीपिंग एंड एक्टिव पार्टनर। फिर उसके बाद आपके पास आ गया, अब इसमें इसके फीचर्स क्या है, अब फीचर्स क्या है इसके, ध्यान से देखें। फर्स्ट, टू और मोर पर्संस, टू और मोर पर्संस मिनिमम दो। अब मैक्सिमम पे कंडीशन आ जाती है, देखो अब मैंने बोला मिनिमम तो दो पार्टनर चाहिए ही चाहिए, ये तो लॉजिक हो गया, ठीक है। अब मैक्सिमम में कंडीशन क्या आ जाती है, अब मैक्सिमम में कंडीशन होती है, मैक्सिमम 10 पार्टनर्स होते हैं, किसमें आ जाएंगे आपके, बैंकिंग में 10 पार्टनर, किसमें किसमें होंगे, मैक्सिमम 10 पार्टनर इन केस ऑफ बैंकिंग। अदर्स में कितने होंगे, अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को, दो पार्टनर मैंने कहा मिनिमम, ये स्टार्ट से ही चल रहा है जब 1932 से शुरू हुआ, यहां पे 10 पार्टनर थे, ये भी कब शुरू किया गया, 1932 से ही, तब तक 10 पार्टनर ही चल रहा है बैंकिंग में। फिर उसके बाद 1932 में अदर्स में 20 तक थे, कितने थे 20 तक 1932 में, मैक्सिमम कितने थे बैंकिंग में 10 थे, और बैंकिंग के अलावा 20 पार्टनर थे, कब थे 1932 में जब शुरू किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, लास्ट रिवाइज कब किया गया, फिर उसके बाद दो, मैंने आपको अभी बोला 2014 में रिवीजन हुआ अगेन, 2014 में जो लास्ट रिवाइज हुआ, बैंकिंग में कितने हैं सेम 10, अदर्स में कितने आ गए, अदर्स की कंडीशन आ गई 15, ये आ गया 2014 और ये, बैंकिंग में 10 के 10 सेम ही रहे, अदर्स में कितने हो गए 20 थे, अब कितने लास्ट 2014 में जब रिवाइज किया गया, लास्ट रिवाइज वो मैंने अभी आपको पीछे बताया गया, रिवाइज किया गया, रिवाइज कंपनीज एक्ट 2014 में, 2014 का रूल क्या बोला था, मैक्सिमम पार्टनर कितने हो गए 15। अगर वो पूछ ले 14 से पहले कब रिवाइज किया गया, ध्यान से समझना है, 14 से पहले कब रिवाइज किया गया, 14 से पहले रिवाइज हुआ 2013 में, 2013 में, तब कंडीशन क्या थी, ये सेम बैंकिंग में 10 ही, बट नॉन बैंकिंग या अदर्स में 100 थे, ये कब था अदर्स में, ये था 2013 में, ठीक है, 2013 में कितना था, 2013 में कितना आ गया 100 आ गए अदर्स, बैंकिंग में सेम रहे अदर्स में 2013, ध्यान से देखिए 32 में 10 और 20 चले, 2014 जो लास्ट रिवाइज है, लास्ट यही रिवाइज किया गया, बैंकिंग में 10 बाकियों में 15, और जो उससे पहले 2013 में कितने थे बैंकिंग में 10 और अदर्स में 100। इस तरह से आगे टू और मोर पास है, मिनिमम इतने, मैक्सिमम की कंडीशन आ गई। फिर उसके बाद आपके पास आ गया, ठीक है, एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, फीचर्स हम पढ़ रहे हैं, मस्ट बी ओरल और रिटन। अब यहां पे क्या होता है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। ओरल मींस कभी कभी फ्रेंड्स के बीच में ओरली डिसाइड किया गया, रिटन मींस हर चीज एग्रीमेंट के साथ। अब ओरल और रिटन में क्या है, रिटन में क्या बनाई जाती है, डीड, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, क्या बनाई जाती है पार्टनरशिप डीड, ये इसको क्या बोलेंगे एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ओरल में क्या होता है, जिसको एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता, जस्ट ओरली बोला जाता है,
जिसको बोलेंगे एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। यहां एग्रीमेंट नहीं है, यहां पे क्या होता है एग्रीमेंट, इसको एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बोल लो, या डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है, डीड नहीं बनाई गई है, यहां पे एग्रीमेंट बनाया गया जिसको डीड बोलते हैं, और ये क्या एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सबको भी मेंशन किया जाता है। मैं अगला इसी में बताऊंगा, डिस्कस करेंगे हम इन दोनों को ही। डीड में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट बनाया जाता है, ओरली में क्या रिटन ही जस्ट फेस टू फेस वो बातें की जाती है कि इस हिसाब से कंडीशंस बनाई जाती है टर्म एंड कंडीशन, यहां पे सब मेंशन किया जाता है ऑन पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपके पास, अब इनका क्या आता है, अब बोलेंगे क्या शेयर एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये क्या कैरी कर रहे हैं लॉफुल बिजनेस, यहां जिसको बोलेंगे एनफोर्सेबल बाय लॉ, बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नॉट एनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए। फिर क्या शेयर करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा ये आपस में शेयर करेंगे। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मैंने आपको बताया स्लीपिंग इन एक्टिव पार्टनर का यूज किया था, म्यूचुअल एजेंसी में आएगा कैरीड बाय ऑल, यहां तो सारे के सारे म्यूचुअल एजेंसी सारे चला रहे हैं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, म्यूचुअल एजेंसी मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग, या तो सारे चला रहे हैं या कुछ पैसा लगा के एंजॉय प्रॉफिट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमने नेक्स्ट मैंने आपको बोला डीड के लिए, नेक्स्ट हमारा आ गया पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होता क्या, पार्टनरशिप डीड क्या, जिसमें क्या होता है डॉक्यूमेंट, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन, ये क्या डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरी डिटेल होती है टर्म एंड कंडीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सारी टर्म एंड कंडीशंस। अब इसके बीच में इसको क्या बोलते हैं, जिसपे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसपे क्या होती है बिजनेस की सारी टर्म एंड कंडीशंस होती है, इसको क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक तो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको बोलेंगे एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बनाया गया किस पे, रिटन एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट बनाया गया। अब इस पे क्या क्या दिया जाता है, इसके कंटेंट्स क्या है, सबसे पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस एंड पार्टनर्स, बिजनेस के एंड पार्टनर्स के सारे नेम एंड एड्रेस, ठीक है, नेम एड्रेस बोल लो या प्लेस, ठीक है, यहां पे आ गया। फिर उसके बाद बिजनेस का नेचर, किस चीज का बिजनेस किया जा रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस, किस चीज का काम किया जा रहा है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट, बिजनेस कब शुरू किया गया, कितनी कितनी कैपिटल लगाई गई है, कैपिटल इन्वेस्टेड, कितना कितना पार्टनर्स ने पैसा लगाया बाय ईच पार्टनर, अकाउंटिंग पीरियड कब है, कब शुरू किया गया और कब खत्म होगा पीरियड पूरा सेशन। फिर इसके बाद आ गया मोड ऑफ सेटलमेंट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसकी किस तरह से सेटलमेंट कर रही है, मोड ऑफ सेटलमेंट में आ गया अगर एडमिशन है, रिटायरमेंट है, या डेथ होगी पार्टनर की, या डिसोल्यूशन डिसॉल्व हो गया फर्म, तो उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगी। ये सारे के सारे कंटेंट्स किस में होते हैं, पार्टनरशिप डीड में, जिसको रिटन एग्रीमेंट बोलते हैं, एंड इसमें सारी जिस पर टर्म एंड कंडीशन होती है बिजनेस की, और सारी की सारी डिटेल्स दी होती है। अगर
मैंने बोला रिटर्न एग्रीमेंट को, मैंने बोला यहाँ पे, मैंने आपको बोला ये क्या है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। मैंने बताया था दो होते हैं, रिटर्न ऑन ओरल और रिटर्न होते हैं। ये तो था रिटर्न एग्रीमेंट। अगर ओरल हुआ तो, अगर ओरल एग्रीमेंट है जिसको क्या बोलेंगे, एब्सेंस ऑफ डीड। अगर डीड नहीं बनाई गई है, ओरल एग्रीमेंट, अगर डीड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट, यहां आएगा डीड इज साइलेंट। मैंने आपको पीछे बताया साइलेंट है, ठीक है। तो इसपे क्या क्या कंडीशंस आती है, देखो इसपे कुछ भी आपको याद रखने, इतनी ढेर सारी चीजें देती है, नॉट लगा ये भी नहीं हो, आपको बस क्या याद रखना है, बस इतना सा समझ लो, दो पॉइंट में ये पूरा खत्म है। एक्स्ट्रा मत पढ़ो इसको, एक्स्ट्रा मतलब जो नॉनसेंस चीज है वो मत पढ़ो, इसपे दो ही पॉइंट याद रखने, फर्स्ट एंड सेकंड, दो पार्ट, दो सिर्फ। यहां पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, 6% पर एनम, बस। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे कर रहा है, 6% पर एनम, बस इतना याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें दे दी है, लास्ट में लिख गया डीड इज साइलेंट, डीड साइलेंट है, तो आपको क्या याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, 6%, बस। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे बटेगा, इक्वली में, बस ये दो कंडीशन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6%, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा क्या, किस पे बटेगा, इक्वली बटेगा, बस ये दो कंडीशन देखिए, और कोई कंडीशन नहीं है, कोई फॉलो नहीं करती जब डीड साइलेंट, सिर्फ यही दो कंडीशन फॉलो करती है। फिर इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आपका आ गया कि पार्टनरशिप किस किस की आगे कंडीशन क्या। देखो पार्टनरशिप में हमारी कंडीशन आती है, फर्स्ट अगर नया पार्टनर एडमिट हुआ, अब हमने आगे जो कंडीशंस है वो आ गई, एडमिशन, रिटायरमेंट, ओब्लिक डेथ एंड डिसोल्यूशन। देखो ये तीन कंडीशन में आगे पूरा पार्टनरशिप बटा। एडमिशन मींस जब कोई नया एडमिट हुआ है, यहां पे क्या आ गया, न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर एडमिट, यहां पे कोई नया पार्टनर आया, यहां पे क्या एग्जिट करेगा, यहां पे क्या बिजनेस खत्म हो गया, डिसॉल्व, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। ये तीन कंडीशन है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे सभी की, ठीक है। पहले हम एडमिशन को करेंगे, देन रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, वन बाय वन जाएंगे, क्योंकि इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है एडमिशन। अगर क्वेश्चन आया ना पार्टनरशिप का, तो यहां तक हो सकता है एडमिशन का ही पूछे, ठीक है, क्योंकि एडमिशन का ज्यादातर पूछा जाता है, और पार्टनरशिप में मैं तो बोलूंगा कि एडमिशन का ही आता है, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, इन तीन पे पूरा बटा है, ठीक है, क्योंकि एडमिशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इसका ज्यादा लिया जाता है। पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ की ज्यादा कंडीशंस नहीं है, डिसोल्यूशन में तो इतनी कंडीशंस है ही नहीं, ठीक है। अब वन बाय वन है, जब हम चलेंगे, पहले एडमिशन को खत्म करेंगे, फिर रिटायरमेंट को, फिर डेथ को, ठीक है। पहले हम थोड़ी सी एडमिशन की थोड़ी कंडीशंस सब पढ़ते हैं, तो ताकि हम उसके प्रैक्टिकल आगे कर पाए। देखो एडमिशन में क्या होता है, जब नया कोई पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो गया जब कोई नया आता। देखो सबसे पहला कंडीशन, जब कोई नया पार्टनर आता है, जब नया कोई पार्टनर एडमिट होता है, उसके लिए जितने भी पार्टनर है सारे के सारे एग्री करने चाहिए। उसकी कंडीशन क्या, क्यों आएगा वो, क्योंकि जब क्या होंगे, फुली कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब तक सारे के सारे पार्टनर, कंसेंट मींस एग्रीड, जब तक सारे के सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे न्यू पार्टनर को लाने के लिए, तब तक वो एंटर नहीं हो सकता। एक ने भी मना कर दिया
नहीं आ सकता, ठीक है। सारे के सारे क्या करने चाहिए, फुली कंसेंट, ठीक है, या जिसको बोलेंगे फुली एग्रीड होनी चाहिए। सेकंड, अगर मान लो आ गया आफ्टर एडमिट, अब मान लो पार्टनर आ गया, सारे एग्री करके पार्टनर आ गए, अब आने के बाद ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, पुरानी पार्टनरशिप खत्म एंड न्यू पार्टनरशिप बिगिन। अब देखो, जब नया पार्टनर आ गया, सारे कंसेंट करके नया आ गया, अब मान लो पहले दो के बीच में थी, ए और बी थे, सी ने एंटर करना था इनके साथ, ठीक है। अब पहले जो दो के बीच में था वो खत्म, क्योंकि सी एंटर हो गया, अब कितने के बीच में आ गया, तीन के बीच में, तीन वाली शुरू, पुरानी पार्टनरशिप एंड होगी तो न्यू बिगिंस, ये आ गया। फिर उसके बाद कंडीशन क्या है, अब जब पार्टनर आ जाता है उसको उसी टाइम दो हक मिलते हैं, जिसको राइट बोलेंगे, ठीक है। क्या राइट मिलते हैं, टू राइट्स उसी टाइम। एक तो वो क्या बन जाता है, ओनर ऑफ द एसेट्स, ऑफ एन एसेट्स, एसेट में प्रॉपर्टी का क्या बन जाता है, मालिक, क्योंकि वो कंपनी का एक ओनर हो गया, वन ऑफ द ओनर। दूसरा हक क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब कोई नया बंदा आया उसको उसी टाइम दो राइट मिल जाएंगे, एक तो पहले क्या मिलेगा, वो प्रॉपर्टी, एक कंपनी का मालिक बन गया, और दूसरा क्या मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में उसका भी एक हिस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपके पास, अब एंटर होने के बाद मैंने बोला सारे एग्री कर गए, बिजनेस में एंटर हो चुका है तो दो राइट भी मिल चुके हैं, ठीक है। अब वो बिजनेस में जब एंटर हुआ लेके क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। अब बिजनेस में एंटर हो गया आफ्टर एडमिशन, सारा आफ्टर एडमिशन एडमिट हो गया, देन वो क्या लेके आएगा, एक तो लाएगा कैपिटल। कैपिटल मींस जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा कैपिटल। दूसरा चीज लाता है जिसको बोलते हैं प्रीमियम ऑफ गुडविल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम ऑफ गुडविल मींस, अब देखो पुराने पार्टनर में वो तो ये दो पार्टनर थे ए और बी, पहले ये बिजनेस चला रहे थे, सी एंटर हो रहा है, ठीक है, ये न्यू वाला। जब ये दो बिजनेस चला रहे थे तो लाइक ले लो 10,000 का प्रॉफिट था, पहले दो के बीच में बट रहा था, अब जब सी आएगा तीन के बीच में, आगे जाके जितना भी प्रॉफिट होगा तीन में बटेगा, तो ये पुराने पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, क्यों, सी के लिए। पुराने पार्टनर किसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इस सैक्रिफाइस के बदले पुराने पार्टनर क्या लेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा। अब देखो दो बंदे 10 साल से बिजनेस चला रहे, तीसरे को ला रहे हैं, वो बोलेंगे जो हमने 10 साल से चलाया बिजनेस, एक लेवल तक पहुंचाया होगा ना, तो उस लेवल का पहुंचाने के, और जो प्रॉफिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसका, वो उससे क्या लेंगे, प्रीमियम का पैसा, जिसको क्या बोलेंगे, प्रीमियम ऑफ गुडविल। क्यों, क्यों, किसके बदले, सैक्रिफाइस के बदले। अब ये प्रीमियम का पैसा जो सी ला रहा है, सी तो एक कैपिटल भी ला रहा है और प्रीमियम का पैसा भी ला रहा है, ठीक है। अब कैपिटल तो लगी है बिजनेस में एज ए उसी का पैसा, अब जो प्रीमियम का पैसा लाया, जो मैंने बोला यहां पे प्रीमियम किसको बटेगा, डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर, या मैं आपको इसको पूरा लिखवाता हूं, आगे मैंने बोला प्रीमियम का पैसा, कैपिटल तो लग गई, प्रीमियम का पैसा ये किसको बटेगा, प्रीमियम जो ला रहा है, मैंने कहा नया पार्टनर ला रहा है, ठीक है। अब ये जो प्रीमियम का पैसा लाया ये किसको बटेगा, जो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस, जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो पार्टनर। मैं बोलता हूं ए और बी बिजनेस चला रहे थे, सी एंटर किया, ये दोनों ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, क्यों, क्योंकि सी को लाना था अंदर, ठीक है। अब सी ने उसके बदले क्या लाया, प्रीमियम का पैसा और कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल नहीं बढ़ती, प्रीमियम का पैसा। अब प्रीमियम का पैसा बी को भी जाएगा, ए को भी जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने शेयर से सैक्रिफाइस। जो बंदा
जो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है उसको क्या देंगे, प्रीमियम का पैसा। अब ये प्रीमियम का पैसा ए और बी में बटेगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस में बटेगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आपको अगर पूछा जाए कि जो नया पार्टनर आता है वो क्या क्या लाता है, एक तो कैपिटल लाता है, दूसरा प्रीमियम ऑफ गुडविल। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल का पैसा किसको बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनको प्रीमियम का पैसा बढ़ जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसमें पैसा बढ़ जाएगा किसको बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसको जो पार्टनर क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अब यहां तक हमने पढ़ा एडमिशन का, अब हम इसके क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाली जाती है, न्यू रेशियो कैसे निकाली जाती है, देन गुडविल, फिर एडमिशन को थोड़ा सा करेंगे अच्छे से। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन की, गुडविल में क्या होता है, पूरा हमने पार्टनरशिप का देखा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, और गुडविल एडमिशन में क्या होता है, फिर देन रिटायरमेंट एंड डेथ को आगे पूरा कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा एडमिशन का पार्टनरशिप का जो स्टार्ट रहा है इतना सही है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, और भूले मत एनरोल करें ऑनलाइन, जो लाइव क्लासेस चल रहे हैं उसके लिए एनरोल करते रहे। ओके, थैंक यू। मैं आशिक लोन जॉब अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, जेके पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।